गुड मॉर्निंग बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है। वह 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ना चाहता है, उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त होना चाहिए। दूर दृष्टि दोष जो ऐसे पढ़ता है मेरी तरह ऐसे खींच कर, तो 150 सेंटीमीटर पर पढ़ पा रहा है, उससे कम पर नहीं पढ़ पा रहा है, तो कौन सा है? दूर दृष्टि दोष तो पहले ही रख दे दिया है, कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस लगेगा। जब चश्मा लगाएगा तो 25 सेंटीमीटर पर पढ़ लेगा। फोकस दूरी और क्षमता की बात किया है, मेरे ख्याल से कर सकते हो इसको, 1/V - 1/U, 1/V - 150 - 1/-25 कितना आएगा? -1/150 + 1/25 LCO 150 - 1 25 छक्का 5/150 डायरेक्ट लगा रहा हूँ 130 तो F बराबर 30 सेंटीमीटर ठीक है। अगर P पूछे 1/F मीटर में होता है, 1/F 30/100 मीटर में हो जाएगा, ये डायरेक्टर हो जाएगा, ये डायरेक्टर में तो 100/30 डायरेक्टर 3.33 या 3 / 1/3 डायरेक्टर, ये आपका आंसर हो गया। सातवां है आपका, एक व्यक्ति अपने नेत्रों से 40 सेमी से कम दूरी पर स्थित वस्तु को अक्षर को स्पष्ट नहीं देख पाता, 40 से कम है तो नहीं देख पाता, तो कौन दोष है, कौन सा दोष है? पहला तो जान लो कि दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष। 40 से कम पर नहीं पढ़ पाता, यानी 40 से ज्यादा पर पढ़ लेता है तो दूर दृष्टि दोष है। कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस लगेगा, लगेगा। कितनी फोकस दूरी का लगेगा भाई? जब चश्मा लगाएगा 25 सेंटीमीटर पर पढ़ लेगा, तो 1/V = 1/V - 1/U मेरे ख्याल से आप इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 6, 7 यह भी बोर्ड ने पूछा है, यह बोर्ड ने पूछा है 2014 में, 2 नंबर का। चलिए 9वां देखते हैं। एक दूर दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 50 सेमी से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को नहीं देख पाता। 50 सेमी से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को नहीं देख पाता, दूर दृष्टि दोष है, यानी 50 सेमी तक वो देख रहा है, 50 सेमी तक के वह अक्षर को पढ़ रहा है, लेकिन 25 पर वो नहीं पढ़ पा रहा है, 25 सेंटीमीटर पर नहीं पढ़ पा रहा है, दूर दृष्टि दोष की बातें किया वो। तो बिना चश्मा लगाए वो, 9वां क्वेश्चन है, बिना चश्मा लगाए वो कहाँ तक पढ़ पा रहा है? 50 सेंटीमीटर पर। भाई दृष्टि दोष में वी यू दोनों निगेटिव होते हैं, तो कह रहा है अगर वो चश्मा लगाए तो 25 सेंटीमीटर पर पढ़ लेगा, कह रहा है उसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, या भी पूछा है, बी पूछा है, 1/F - 1/U कर लेंगे, आगे आप कर लेंगे, पी आ जाएगा 1/F मीटर में, इसको भी आप कर लेंगे, डू योर सेल्फ खुद करो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10 किसी व्यक्ति को अपने दूर दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए आप बताइए क्वेश्चन ही गलत है। कह रहा है दूर दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। ये बताओ बेटा, जब दूर दृष्टि दोष होगा तो उत्तल लेंस का प्रयोग होगा, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, ठीक है,
और यहाँ माइनस में क्षमता दिया हुआ है, यह क्वेश्चन ही सत्यानाशी है, यह क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये रॉन्ग है। चलिए 11 देखता हूँ, 11 एंड लॉस्ट। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 50 मीटर की तक देख सकता है, अधिकतम 50 मीटर निकट दृष्टि दोष वाला है ना, तो 50 मीटर से दूर किसी वस्तु को नहीं पहचानता। कहता भैया वो कौन है फलाने, कमजोर हो गई भैया, पहचान नहीं पाते हैं, ठीक ना। तो निकट दृष्टि दोष है, उत्तर लेंस लगेगा, क्लियर सी बात है। और बिना चश्मा लगाए वो -50 मीटर तक देखता है, और जब चश्मा लगा लेगा तो -अनंत तक देखेगा, कहाँ तक, अनंत तक देखेगा। करा किस क्षमता का, किस फोकस दूरी का लेंस चाहिए। अंतिम सवाल है, कर देता वन अपान टू वन अपान बी माइनस वन अपान यू, वन अपान -50 माइनस वन अपान -∞। अब भाई इन्फिनिटू का भाग दो के जीरो हो जाएगा, -150 या फिजिकल टू -50 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, -50/100 मीटर -1/2 मीटर। मीटर में इसीलिए कि हमको क्षमता निकालनी है, P=1/F मीटर में, 1/F -1/2 गायब कर, 2 पर चला जाएगा -2 गायब कर। ये आपका इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हो, चैप्टर नंबर 4 हो गया। अगला चैप्टर आपका है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन यों वर्ण विक्षेपण। लेकिन बेटा एक वादा रहा, वादा क्या, मेरी एक गलती रही, भूल रही कि मैं आपको प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं पढ़ाया। कई बच्चे हमसे कमेंट बॉक्स में लिखे भी, मैंने वादा किया इस चैप्टर के बाद पढ़ाऊंगा। तो अगली वीडियो होगी आपका, आपकी प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ेंगे। और इस उम्मीद के साथ आज अलविदा लेता हूँ कि आप लोग सारे न्यूमेरिकल्स को बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत लगन से करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, उसके लिए मैं वीडियो बना के आपको भेज दूँगा। थैंक यू सो मच।